जिहड़े लोकी कहंदे सी ना कि सर्दियां आण दो फादी ने फादी ने नाना छोड़ देना है, देख लो आज तुम्हारा भाई ना ठंडे पानी से नहा गया है। हम आज मेकिंग शेकिंग नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता फ्राइडे वाले दिन ज्यादा गुड्डे उड़ते हैं और अभी भी दो तीन उड़ ही रहे हैं। सॉरी जो ये हमारे साथ फिल्म हुई है ना फैसल का लगा हुआ था पेचा, इसने क्या किया एकदम छिक मार दिया। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी मजे में, और सबसे पहले आप सारों को जुमा मुबारक। ठीक है, जिहड़े लोग कहंदे सी ना कि सर्दियां आण दो फादी ने नाना फादी ने नाना छोड़ देना है, देख लो आज तुम्हारा भाई ना ठंडे पानी से नहा गया है। चलो खैर छोड़ो, दफा करो, जान दो। बाकी सीन्स ऐसे कि यार अभी जुमे में थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन 10 से 15 मिनट टाइम है, और फैसल नीचे ना आ रहा है और मामा गई नहीं है किसी काम से बाहर, इस वजह से आज हम घर पे अकेले ही हैं। और अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से नीचे जाते हैं, लॉक लगाते हैं घर को और जाते हैं जल्दी से गली में जुमा पढ़ने। और दूसरी बात यह है कि यार हम आज मेकिंग शेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेक करो हमने कितना जालिम वाला गन डाला हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो पापा से ये हमारी सही कुत्ते वाली, खैर छोड़ो होती रहती है हमारी, कौन सी कोई नई बात है। आज हमने मेकिंग वगैरह नहीं करनी है, आज फ्राइडे है, जैसा कि आप लोगों को पता फ्राइडे वाले दिन ज्यादा गुड्डे उड़ते हैं और अभी भी दो तीन उड़ ही रहे हैं। जल्दी से नमाज पढ़ के आते हैं, नमाज पढ़ के आने के बाद खाना शाना खाने के बाद थोड़ी धूप कम होने का वेट करेंगे, जो ही धूप कम हो जाएगी और फिर हम गुड्डे उड़ाएंगे। तो चलो चलते हैं, जल्दी से पहले नमाज अदा कर देते हैं और फिर बाद का फिर आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, अच्छा तो यार बाबा जी अभी हम बाहर आ गए। ठीक है, और सारे बॉयज हमारे रेडी हैं, ये चेक करो जी बदमाश। ओए पकड़ के बटन तोड़ दिए सब, मैं टोपी बिछ कर लिया। बाकी ये सारे जन सेना रेडी हो गए हैं और तकरीबन 5-1 मिनट रह गए जुमा होने में, तो जल्दी से जाते हैं फिर मस्जिद के अंदर और जुमा वगैरह पढ़ के आते हैं। कोडू ना मारिस, ना मारिस, आ जा कोडू ना मारिस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टोपी के भी चढ़ाई हो गया जी। ना लड़ा तू मेरे को ले ली टोपी। सॉरी भाई बोल पहले। वो टोपी नहीं है, मुझे और ही है। टोपी से मैं अच्छी क्लास काफी जोर नहीं आ रही। गाली ना दे, मैं पहले चट गाली ना दे, गाली ना दे, ना पुठा देना मुंह पर, गाली ना दे, गाली ना दे, बुजू में है वो। ओए गाली ना दे, मैं वजू में हूँ। तेरा वजू टूट गया, तूने 6 गालियाँ दे दी हैं, पूरी हो गई हैं। जियो वाह जी वाह, इनकी अनोखी लड़ाई है। एक ने उसके बटन तोड़ दिए जिसकी टोपी थी, और उसने उसकी टोपी लेके नाच गया। वाह जी वाह, फिर इसने रहा टोपी बहन किसी से खींच के पहन। ओ दूसरी टोपी के ऊपर दूसरी टोपी, जियो चौथी मेरे से ले ले। चलो यार जाते हैं मस्जिद के अंदर। 5 minutes later. अच्छा तो यार अभी फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ के आ गए। ठीक है, और ये बहुत बड़े मुसलमान हैं, बहुत बड़े मुसलमान हैं, इनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आपको हम मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी से, आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। हबीब खान, चल चल चल। फैन, बिग फैन माय। तो यार आप लोग हबीब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। हबीब यार लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं, कब आना तुमने वापस है? आ गया हूँ मैं, किधर वो उधर चला गया था। नहीं एकेडमी छोड़, तो नहीं बस मेरा एक ही इरादा है एक बार फिलिस्तीन चला जाऊँ ना। ओए उन्हें सही उठा उठा के, उन्हें सही उठा उठा के फेंकेंगे एक दफ़ा। अकेडमी कब छोड़ेगा यार तेरे बगैर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैट्रिक के बाद। तीन बजे जाता है और रात को 7 बजे आता है तू। छोड़ यार कैसा बंदा यार, ऐसे सही सही बता ना कब छोड़ेगा एकेडमी, कब बैकअप कब मारेगा व्लॉग्स में है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वैसे तुम लोगों की एकेडमी कैसी एकेडमी है, पढ़ो या ना पढ़ो, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ो या ना पढ़ो, छुट्टी दे देते हैं।
ऐसी एकेडमी मुझे मिले ना तो मैं तो रोज ही इंशाल्लाह पढ़ के आया करूं। ना पढ़ो पता लगते हैं ना पढ़ो खोल देते हैं। मतलब यहाँ से लगाएंगे ना इधर से मारेंगे इस कान में आवाज इस कान में इतने अचानक ऊपर देखो पीछे से आगे तपा आए। बस क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स लाइफ। चेक करें जी कितनी क्यूट सी बच्ची आई है। ओ शर्मा जी माँ आपने जुमा पढ़ा है फातिमा माशाल्लाह लिख देना यार कमेंट में। अच्छा तो यार अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा हैवी वाली। तो चेक करते हैं किचन में कुछ पड़ा था खाने के लिए तो खा लेते हैं अगर नहीं है तो मामा को कॉल करके पूछता हूँ कि यार कब तक आना है आपने तो उनका वेट कर लेते हैं नहीं तो फिर बाइट से कुछ पकड़ लाते हैं। चलो चेक तो कर देना क्या पता कुछ पड़ा हुआ हो। तो यार अभी मामा को कॉल किया और वो गई नहीं है अपनी किसी दोस्त से घर ठीक है और अभी खाने के लिए फ्रिज में और किचन में कुछ भी नहीं पड़ा कख भी नहीं पड़ा तो जल्दी से जाते हैं बाहर से कुछ पकड़ के लाते हैं और खाते हैं और उसके बाद बस थोड़ी सी धूप वगैरह ख़त्म हो जाए फिर काइट फ्लाइंग भी करते हैं इंशाल्लाह। A few moments later. अच्छा तो यार बाबा जी फाइनली हमारी मामा आ गई हैं ठीक है खाना वगैरह भी हमने खा लिया था और बस अभी शाम हो गई है थोड़ी सी तो हमने कहा कि यार गुड़ा शुड़ा उड़ाती हैं चलते हैं जल्दी से ऊपर। उड़ रहे हैं गुड़े यार ठीक ही उड़ रहे हैं बाकी यहाँ पे तो कोई भी नहीं उड़ रहा लेकिन ऊपर जाके पता चलेगा कि कितने गुड़े उड़ रहे हैं और कितने नहीं उड़ रहे। तो चलते हैं ऊपर और उड़ाते हैं। बाबा जी फैसल ने गुड़ा शुड़ा उड़ा लिया ठीक है और हवा नॉर्मल ही है गुड़ा भी हमारा मज़े का सही हैवी वाला तो गुड्डे वगैरह ये देखो ऊपर उड़ रहे हैं तो इनके साथ लगाते हैं पेचा और आपको भी वीडियो दिखाते हैं। ओए मुबशर ढील दे ओए सफर इसकी डोर आएगी आदि इधर ही रखी इसकी डोर आएगी यार तो क्या करता है रा यार इतना वो है हाथों में लागे इसने एकदम छिक मार दी यार क्या के बंदा ऐसे। तो जी फैसल ने दूसरा गुड्डा ले आया है ठीक है और ये से तैयार कर रहा है और अभी उड़ाता है और हवा भी घूम गई है उस साइड की होगी। और आपको एक बैड न्यूज़ ये देनी है कि यार अब्दुल्ला ने अपने कबूतर सारे ख़त्म कर दिए क्योंकि यार वो उसको तंग करते थे बहुत ज़्यादा और दाना पानी भी पूरा नहीं हो रहा था तो इस वजह से उसने कबूतर ख़त्म कर दिए हैं। क्या वजह बनी है अब्दुल्ला यार क्यों तूने अपना खुडा ख़त्म कर दिया है? अभी डॉक्टर दोबारा रखेगा। चल ठीक है दाना बचा के रखा भी ना वो जो बचा हुआ ठीक हो गया। वैसे यार बड़ा दुख हुआ यार तेरे कबूतर हैं ख़त्म नहीं करने चाहिए थे तुझे यार हैं इतना शौक़ था तुझे तू नींद में भी आह 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 करता रहता था फिर भी तुझे नहीं वो ख़त्म करने चाहिए थे यार। और बिल्ली देखे ना ऊपर किस तरह बैठी हुई है। बिल्ली ने भगाए। चलो यार खैर इसने जिस जिस के कबूतर लिए थे वो सारे वापस कर दिए अभी कह रहा है मैं अपने हक लाल के पैसों के नए कबूतर लाऊंगा और वो रखूंगा। तो कौन कौन सा लाएगा वैसे नाम तो बताना सतरंगा पता नहीं कौन कौन सा नाम नहीं आते। चल यार जब लाएगा फिर हम भी इसके साथ रखवा देंगे अंदर ठीक है ना। ओ भैया वो है पीछे है आ कर ना आ एकदम इसकी कबूतरी यही एकदम भागे कहता है कि बिल्ली की वजह से नहीं बैठ रही। जियो अब्दुल्ला। ओ यार तो जाके बैठ गई है ये जी सामने वाला ने इनका कबूतर पकड़ लिया और अब्दुल्ला वापस आया था मारना ताकि कबूतर उड़ाए वो अंदर घुस गए अंदर में घुसाऊंगा सही तरह उस दिन से मैं बोल रहा था ना देना दे एकदम इसने दिए और आज दे नहीं रहा जी गुड़ा आया पीछे से काट के ये पीछे ही जाएगा डोर था बाड़े में जाएगा बाड़े में गिरेगा नहीं 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 आता नहीं आएगा मैं जो कह रहा हूँ नहीं आता अब नहीं आता अब उसने लैंडिंग कर ली है। ओ नीचे चेक करो ये चेक करो इसकी डोर बहुत ज़्यादा है यार तब भी झूल झूल के जा रहा है वो दरवाज़ा गिरता है ने सही गुड़े उड़ रहे हैं यार लेकिन हम किसी वजह से नहीं उड़ा रहे
अब वो वजह आपको हम बता नहीं सकते। पीछे भी चेक करो, सही मॉल बना हुआ है। उसकी वजह से अपना गुड़ा कटवा दिया, अपना गुड़ा कटवा दिया। बस पिंडी बॉय जो देख रहा है वो समझ जाएगा, बाकी हम समझा करो ना फिर। ओए जब तुझे हमने खुद दिया था इसका कबूतर, तब तूने क्यों वापस किया था? अभी तू वापस नहीं कर रहा, तो अभी भी वापस कर रहा, अभी क्यों नहीं कर रहा? सामने पड़ोसियों के कबूतर को पकड़ता है, पड़ोसियों के कबूतर को पकड़ता है, पड़ोसियों अब्दुल्ला रो रहा है, मैं नहीं रोता। अब्दुल्ला का कबूतर पकड़ो सीधा, क्यों जी? समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ बस अभी तो हिला नहीं है ना, जब हिलेगा फिर देखेंगे। हाँ ना हिला ना। हाँ तेरा मैंने जैसे मैं पकड़ा था, मैंने इसके दो कबूतर पकड़े थे, रो रहा था नीचे आके, कहते ही मैं अब्बू को ब्लॉक ला रहा हूँ, अब्बू को ब्लॉक ला रहा हूँ। यार मेरे ख्याल में मुझे ना बाबा कम्युनिटी से नाम चेंज करके कबूतर खाना रख देना चाहिए। किसने बोला, कहा था कि उधर उधर करके उड़ा तू कबूतर है? चलो मैंने बोला बच्चे, अब तू गिला ना करी, तेरे तेरे पिंजरे में से कबूतर गायब हुए ना, फिर गिला ना करी। अब्दुल्ला बच्चे बड़ा वो है, हुआ है। अभी वो बड़ा उसने वो हुआ है, गुस्से हुआ है तेरे पे। तूने उड़ा दिए, मैं जी के यहाँ पे उड़ा। मैंने ये बोला तू उस पर बैग सीधा उसके घर जाएगा, जो पता कल उधर गई हुई थी। जाके उसे ले लेना, क्या आता है? जाके उससे क्यों ले ले? तू भी मैं बोलूंगा जाके पिंजरे से ले। हाँ ना, ये भी जब तेरा पिंजरा खाली करेगा ना, फिर ये बोलेगा जाके अपने पिंजरे से ले। अब मैं तेरा कबूतर देखी कैसे बैठाऊंगा, तेरा कबूतर उड़ने दे, देखी मैं कैसे बैठाऊंगा। ज्यादा देखे ना, हमारे साथ एक फिल्म हुई थी बहुत हैवी वाली, उसके बाद फैसल दोबारा गुड़ा ले आया, ठीक है अभी दोबारा उड़ाएंगे। और वो जो ही हमारे साथ फिल्म हुई है ना, फैसल का लगा हुआ था पेचा, इसने क्या किया, एकदम छिक मार दिया। चलो खैर है, कोई नहीं, बाकी दोबारा उड़ाते हैं और शुगर मिलने लगाते हैं फिर। जी फैसल साहब पेचा करने जा रहे हैं, ओए होए 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 होए, कनिए वो गई चल। ये तो गलत बात है ना इसकी, कन्ने फंसा लेता है। अच्छा तो यार भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज हमारे साथ बहुत बैड लक सीन हो गया, जिसकी वजह से इतना कोई चेस नहीं आई, ठीक है। और आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर ही एंड, और जो बैड सीन हुआ है वो आप लोगों को शायद थंबनेल में मैं आप लोगों को ना वो एक दे दूंगा, हल्की सी हिंट दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। बाकी ये कि यार आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने भाई को दुआओं में याद रखना, ठीक है। और मैं आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों से ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि आप लोग 6 के करवाए नहीं थे, 20-30 कम है यार। और पहले मेरी एवरेज इतनी अच्छी थी, दिन में 20-30 सब्सक्राइबर्स आ जाते थे, और अभी आप लोग करवा ही नहीं रहे, तरसा रहे हो यार 6K के लिए। खैर करवा दो 6K, फिर हम चोर बाजार पार्ट 2 भी बनाएंगे, और पतंग होलसेल काइट मार्केट इन रावलपिंडी हम वो भी बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो जल्दी से 6K करवा दो जल्दी जल्दी, और फिर जो हम वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे वो इन्जॉय करना, और अगर उससे आपका अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो आप फ़ायदा भी उठा लेना। बाकी यार आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर ही, एंड इसके सही अलग में आए थे जब इसका सीन हुआ था ना। चलो आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।